जब भी बात बुलेट ट्रेन्स की आती है तब हम सभी के मन में जापान की बुलेट ट्रेन की तस्वीर जरूर से आती है, क्योंकि जापान ही वो देश है जिन्होंने इन ट्रेन्स को इतना पॉपुलर बनाया कि जब भी बुलेट ट्रेन का नाम आता है तो सबसे पहला नाम जापान का लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे क्यों बनाया गया था और इसकी रफ्तार इतनी तेज कैसे है? कैसे इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हाई स्पीड वाली ट्रेन को बनाकर जापान ने सबको हैरान कर दिया था? तो आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बुलेट ट्रेन को किस उद्देश्य से बनाया गया था और इसकी रफ्तार इतनी तेज कैसे है और ये कैसे चलती है। जापान अपने एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जापानी में शिनकानसेन या बुलेट ट्रेन कहा जाता है। ये करीब सभी बड़े शहरों को आपस में जोड़ता है। वहीं इसकी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजिकल अकम्पलिशमेंट से इस ट्रेन ने काफी तेजी प्राप्त कर ली है, जो किसी भी देश के कल्चर, इकोनॉमी, बिजनेस और सोसाइटी को प्रभावित करता है। ऐसे में भारत में भी बुलेट ट्रेन और उसके ट्रैक्स की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। इस काम में जापान हमारी पूरी मदद कर रहा है। वहीं पहले भारत में ये हाई स्पीड रेलवे थे ही नहीं, इसके आने से जरूर से हमारी इकोनॉमी, बिजनेस और सोसाइटी पर इसका सही प्रभाव पड़ने वाला है। बुलेट ट्रेन के बारे में समझने के लिए हमें उसके विषय में सभी जानकारी प्राप्त करनी होगी, वो कैसे काम करता है इत्यादि। इससे हम और भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये बुलेट ट्रेन क्या होती है। बुलेट ट्रेन को हम हाई स्पीड रेल भी कहते हैं। ये एक नई टाइप की पैसेंजर रेल ट्रांसपोर्ट है जो कि बहुत ज्यादा फास्टर और कंफर्टेबल है नॉर्मल ट्रैफिक ट्रेन या ट्रेडिशनल रेलवेज की तुलना में, क्योंकि ये बुलेट यानी कि गोली की रफ्तार से चलती है। ये ट्रेन्स नॉर्मल रेलवे ट्रैक्स पर नहीं चल सकती, बल्कि इनके लिए नए ट्रैक्स और स्पेशल ट्रैक्स चाहिए जो कि इन्हें इनकी स्पीड को बढ़ने में मदद करते हैं। वहीं भारत में भी बुलेट ट्रेन की ट्रैक्स ट्रेन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं 2 से 3 सालों के भीतर हम और आप भी इन बुलेट ट्रेन्स पर सफर कर रहे होंगे। हाई स्पीड रेल एक ऐसी प्रकार की रेल ट्रांसपोर्ट होती है जो कि ऑपरेट करती है बहुत ही ज्यादा तेजी से ट्रेडिशनल रेल की तुलना में। इसके लिए इसमें एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का इस्तेमाल होता है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है रोलिंग स्टॉक से, और इन्हें डेडिकेटेड ट्रैक्स की जरूरत होती है। वैसे कोई ऐसी स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन अगर ट्रेन 250 किलोमीटर पर आवर से भी तेजी से दौड़े तब उन्हें हाई स्पीड रेल की श्रेणी में रखा जाता है। बुलेट ट्रेन का इतिहास। जब बात बुलेट ट्रेन की आती है तब हमारे दिमाग में सबसे पहले जापानीज बुलेट ट्रेन्स की बात आती है। ये शायद इसीलिए क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन्स जापान में ही है। जापान में बुलेट ट्रेन्स को शिनकानसेन कहा जाता है। इसे जापान में करीब 50 साल पहले लॉन्च किया था। उस समय के हिसाब से ये बुलेट ट्रेन सबसे तेज गति वाली ट्रेन थी। समय के साथ साथ शिनकानसेन की पॉपुलैरिटी लोगों में काफी बढ़ गई और इसे बहुत से लोग अपनाने लगे। सन 1992 में ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट बुलेट ट्रेन लाइन बन गया था, जहां एवरेज में करीब 23,000 पैसेंजर्स प्रति घंटा पर डायरेक्शन में ट्रैवल करते थे। बाद में लोगों की डिमांड के कारण एक एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क को एक्सटेंड किया गया पूरे देश में, जिसके अंतर्गत ओकायामा, फुकुओको और हिरोशिमा भी शामिल थे। ये बनकर सन 1975 में खत्म हुआ। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई वैसे वैसे ट्रेन की स्पीड भी बढ़ने लगी। वहां बहुत से ट्रेन्स के प्रकार डेवलप किए गए, जिसमें सैन्यो शिनकानसेन, जोइत्सु शिनकानसेन, चुओ शिनकानसेन और तोहोकु शिनकानसेन। साथ में ट्रेन मॉडल्स जैसे कि 100 सीरीज, 300 सीरीज, 500 सीरीज और 700 सीरीज शामिल है। इन्हें रेगुलर इंटरवल में शामिल किया गया। बुलेट ट्रेन का आविष्कार किसने किया था? बुलेट ट्रेन का आविष्कार शिमा हाइडियो 20 मई 1901 से 18 मार्च 1998 ने किया था। वो एक जापानीज इंजीनियर थे जो कि मेन ड्राइविंग फोर्स थे पहले बुलेट ट्रेन के डेवलपमेंट के पीछे। भारतीय बुलेट ट्रेन की खासियत क्या होने वाली है? भारत में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जोरों शोरों से चल रहा है, जिसे कि अगस्त 2022 तक हो जाना चाहिए। ये इसलिए ज्यादा खास है क्योंकि इसमें बहुत सी बेहतरीन फैसिलिटीज प्रदान की जा रही है जो कि लोगों के लिए काफी काम में आने वाली है। NHSRCL के द्वारा इस हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जो कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच होगा। इस प्रपोज्ड हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की टोटल लंबाई करीब 508.17 किलोमीटर होगी। यहाँ डेडिकेटेड चाइल्ड फीडिंग रूम से लेकर एक्स्ट्रा स्पेशियस टॉयलेट्स, सेपरेट वॉशरूम्स पुरुषों और स्त्रियों के लिए। सच में ये ट्रेन यात्रियों के एक लग्जरी एक्सपीरियंस प्रदान करने वाली है। बच्चों के लिए इसमें स्पेशल फैसिलिटीज होने वाली है। ये ट्रेन 750 सीटर होने वाली है जो कि बहुत सी फैसिलिटीज प्रदान करेगी। इस ट्रेन में स्पेशल फैसिलिटीज होंगी
रोग से पीड़ित लोगों के लिए लगेज स्पेस का प्रबंध होना, पैसेंजर्स के लिए 2 एक्स्ट्रा स्पेशियस टॉयलेट्स भी होगी व्हीलचेयर बाउंड पैसेंजर्स के लिए। ये 10 कोच हाई स्पीड ट्रेन में बेबी टॉयलेट सीट्स, डायपर डिस्पोजल के लिए, टेबल और छोटे बच्चों के लिए लो सिंक होने वाला है हाथ धोने के लिए। इसमें आपको फ्रीजर, टी कॉफी मेकर भी मिलने वाला है। इस नई जनरेशन जापानीज हाई स्पीड ट्रेन में, जहां की 55 सीट्स है बिजनेस क्लास में और 695 सीट्स है स्टैंडर्ड क्लास में, उसमें वॉल माउंटेड टाइप यूरिनल्स का प्रबंध किया जाने वाला है पुरुषों के लिए। ब्लूप्रिंट्स के हिसाब से यूरिनल्स और टॉयलेट्स को अल्टरनेट कोचेस में इंस्टॉल किया जाएगा। बुलेट ट्रेन में आपको ऑटोमेटिक सीट रोटेशन सिस्टम भी मिलेगा। इस ट्रेन के कोचेस में आपको कंफर्टेबल ऑटोमेटिक सीट रोटेशन सिस्टम की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही कोचेस में LCD स्क्रीन्स लगी होगी, जो कि डिस्प्ले करेगी करंट स्टेशन, नेक्स्ट स्टॉपिंग स्टेशन, डेस्टिनेशन शेड्यूल और एक्सपेक्टेड टाइम कितना लगेगा आपको नेक्स्ट स्टॉप या डेस्टिनेशन स्टेशन में पहुंचने में। बुलेट ट्रेन कैसे काम करती है? यदि आपको जानना है कि बुलेट ट्रेन कैसे काम करती है, तब इसके लिए आपको पहले ये जानना होगा कि मैग्नेट्स कैसे काम करते हैं। वहीं इसमें हमें ये समझना होगा कि मैग्नेट ट्रेन्स की टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। प्रत्येक मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। ये तो शायद आप जानते होंगे कि मैग्नेट के सिमिलर पोल्स हमेशा रेपल करते हैं एक दूसरे को, वहीं ऑपोजिट पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये प्रिंसिपल ही है जो कि गवर्न कर मैग्लेव ट्रेन्स की लेविटेशन को। परमानेंट मैग्नेट्स हमेशा मैग्नेटिक होते हैं, वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स केवल तभी मैग्नेटिक होते हैं जब एक इलेक्ट्रिक करंट उनमें से होकर फ्लो करे। इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल ही संबंधित होते हैं करंट के डायरेक्शन के साथ। अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तब पोल्स भी रिवर्स हो जाती है। वही मैग्नेट्स में यही लेविटेट करता है। मैग्नेटिक रिपल्शन के द्वारा इसमें ट्रेन लेटा हुआ होता है गाइडवे के ऊपर। मैग्नेट्स की जो गाइडवे के टॉप में होता है वो ओरियंट होते हैं मैग्नेट्स के सिमिलर पोल्स को रेपल करने के लिए, जो कि मैग्लेव के बॉटम में होता है। इससे होता यह है कि ये ट्रेन को ऊपर धकेलती है, जिससे कि ट्रेन एक हवरिंग पोजीशन में तैरती है। इस सिस्टम को डिजाइन किया गया होता है मैग्लेव्स के लिए, जिसमें कि एक्सट्रीमली पावरफुल सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के ग्रुप्स स्थित होते हैं। ये मैग्नेट्स बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं कन्वेंशनल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तुलना में, लेकिन इन्हें कूल भी करना होता है बहुत ही लो टेम्परेचर्स में। जी हाँ, -269 डिग्री सेल्सियस से -196 डिग्री सेल्सियस में। मैग्लेव्स में जो कि लेविटेट होता है मैग्नेटिक अट्रैक्शन के द्वारा, इसमें ट्रेन का बॉटम रैप होता है गाइडवे के अराउंड। लेविटेशन मैग्नेट्स जो कि गाइडवे के अंडर साइड में होता है, उन्हें पोजीशन किया गया होता है अट्रैक्ट करने के लिए मैग्नेट्स के ऑपोजिट पोल्स को, वो भी मैग्लेव के रैप अराउंड सेक्शन में। इससे ट्रेन ट्रैक के ऊपर उठी हुई होती है। यह मैग्नेट्स जिनका इस्तेमाल गाइडवे में हुआ होता है रैप अराउंड सेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए, वो सिर्फ इतने ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जिससे कि वो ट्रेन को केवल कुछ सेंटीमीटर ही ऊपर उठा सके, वो भी एक फ्लोटिंग पोजीशन में। इसमें रैप अराउंड सेक्शन गाइडवे को टच ही नहीं करता है। आप यहाँ पर सोच सकते हैं, आपके हाथों में एक ऐसा ब्रेसलेट है जो कि हाथों को टच ही नहीं किया है। यदि आपको पिक्चराइज करना है कि कैसे एक मैग्लेव ट्रेन आगे बढ़ती है, तब इसके लिए आपको सोचना होगा 3 बार मैग्नेट्स के बारे में जो कि एक फ्लोर में लाइंड अप हो। इसमें मैग्नेट जो कि फ्रंट में है वो आगे पुल हो रहा है एक अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक पोल के द्वारा, और वो मैग्नेट जो कि बैक में पुश हो रहा है एक रिपल्सिंग मैग्नेटिक पोल के द्वारा। यहाँ मैग्नेट जो कि मिडल में है वो आगे मूव कर रहा है। एक मैग्लेव गाइडवे में एक लॉन्ग लाइन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, यही ट्रेन को आगे खींचती है और पीछे से धक्का देती है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पावर्ड होते हैं कंट्रोल्ड अल्टरनेटिंग करंट्स के द्वारा, जिससे कि यह आसानी से चेंज कर सके पुल और पुश पोल्स को, और जिसमें ट्रेन कंटिन्यूअसली ही आगे प्रोपेल हो सके फॉरवर्ड जाने में। बुलेट ट्रेन परियोजना भारत में। भारत सरकार ने देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के आधार पर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को चुना है। यहाँ एक हाई स्पीड रेल लाइन है जो कि फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब ये कनेक्ट करने वाली है 2 बड़े शहरों को, जो कि है अहमदाबाद गुजरात और भारत की इकोनॉमिक हब मुंबई। ये भारत का सबसे पहला हाई स्पीड रेल लाइन होने वाली है। इस परियोजना की शुरुआत अगस्त 2008 में हुई, जब साबरमती टर्मिनस की जमीन अधिग्रहण की गई थी, और साथ में इस परियोजना की समाप्ति का समय 15 अगस्त 2022 तक का रखा गया है। इस बुलेट ट्रेन परियोजना को पूरा करने में जापान हमारी सहायता कर रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या हमारे भारत में भी ऐसी हाई स्पीड ट्रेन होनी चाहिए? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।